देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने ये जो इंटरिम रिलीफ दिया है और हाई कोर्ट के ऑर्डर का सहारा लेकर जो डिमोल्यूशन करने की कोशिश हो रही थी उसको रोका है, इसके माने ये हैं कि सुप्रीम कोर्ट ये समझता है कि इसमें जो कुछ हो रहा है ठीक तरीके से नहीं हो रहा है। और मुझे लगता है कि अब ये मौका मिलेगा कि जो भी वहाँ पे इसके जो विक्टिम्स हैं या जिनको हटाने की कोशिश हो रही है उनके पास पूरे कागजात और दस्तावेजात मौजूद हैं, उनको अपनी बात कहने का और कोर्ट में अपनी बात पेश करने का मौका मिलेगा। और अभी तो ये दावा साबित नहीं है कि रेलवे की ज़मीन कितनी है और किस पर कितना किसका कब्जा है, और इसमें बहुत सारे कंट्रोवर्शियल चीज़ें आ रही हैं जो हमारी टीम वहाँ जाकर आई है, लोगों से बात करके आई है। तो हमें पूरी उम्मीद है कि अदालत में अगर ईमानदारी के साथ कार्रवाई चलेगी तो यकीनन उनको जो लोग वहाँ हैं वो अपना हक साबित कर पाएंगे। अभी तक उनकी बात सुनी नहीं गई, उनके कागजात को ठीक से देखा नहीं गया और रेलवे के पास जो कागजात हैं उनको भी देखने की ज़रूरत है। अदालत उसको भी देखे कि उनका दावा जो है कितना सच्चा है। दूसरा ये कि वहाँ लोगों ने बताया, हमारी टीम ने, कि लोगों के पास रेलवे के वहाँ आने से पहले के भी वहाँ पे कागजात मौजूद हैं। तो आखिर ये तो अदालत को तय करना होगा कि आखिर इस तरह लोगों को जो इतने बरसों से रेलवे के वहाँ आने से पहले से जो लोग वहाँ बसे हुए हैं उनको आप कैसे इस तरह हटा सकते हैं। तो बहरहाल ये इसमें जो कानूनी नुक्स है और जो प्रोसीजरल नुक्स है, ऐसा लगता है कि स्टेट गवर्नमेंट भी जो है इसमें उसको भी अपना रोल प्ले करना चाहिए और वहाँ के सिटीजन्स के जो राइट हैं उसके लिए वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट को भी खड़े होना चाहिए। एक चीज़ ये भी सामने आई वहाँ से ग्राउंड से कि ये दिखाने की कोशिश की गई एक बड़े तबके के ज़रिए कि वहाँ सिर्फ और सिर्फ मुसलमान आबादी है जिसको इस तरह से परेशान किया जा रहा है, उनके घर तोड़े जा रहे हैं, उन्होंने कब्जा किया। लेकिन नज़र कुछ और आता है, वहाँ हिंदुओं के मकानात भी हैं, वहाँ 3 मंदिर हैं जो इस लिस्ट में शामिल थे, 12 मस्जिद हैं। इस पहलू पर क्या कहें? यही हम कह रहे हैं कि ये इसलिए इस तरह दिखाने की कोशिश की जा रही है ताकि इससे सियासी फ़ायदा उठाया जा सके, और इसको इस तरह पेश करने से जो है वो एक तरह से कम्युनल एंगल जो है इसको दिया जा रहा है, और कम्युनल एंगल के ज़रिए से बताने की कोशिश हो रही है कि कैसे समाज में डिवीज़न पैदा किया जाए, कि देखो हम एक कम्युनिटी को किस तरह से एक कम्युनिटी के लोग जो है वो एनक्रोचर्स हैं और उनको हटाने की हम कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। तो ये जो परसेप्शन, गलत परसेप्शन एक कम्युनिटी के बारे में बनाना जो है या बनाने की कोशिश करना, ये खुद एक हेट पॉलिटिक्स का पार्ट है, और इसीलिए इसको मैं ये समझता हूँ कि ये कम्युनल पॉलिटिक्स के एजेंडे का ही एक शाहीनबाग के प्रोटेस्ट और सीए की तरीके से देखा जा रहा है, क्या उसी तरह या उससे अलग है? हाँ नहीं, देखिए वो प्रोटेस्ट अलग थे, लेकिन हर चीज़ को कम्युनल बना देना और हर चीज़ को सिर्फ मुसलमानों से जोड़ना और उससे इलेक्शन में फ़ायदा उठाना, ये एक हेट पॉलिटिक्स और कम्युनल पॉलिटिक्स का पार्ट है। सर, कर्नाटक में इस तरह की सियासत चल रही है, लगातार नफरत फैलाने की कोशिश की जा रही है, उस पर क्या कहना है? वो भी उसी हेट पॉलिटिक्स का हिस्सा है, और चूंकि वहाँ इलेक्शन नज़दीक होने वाले हैं इसलिए वहाँ ये चीज़ें और तेज़ी से की जा रही हैं, और जो हुकूमत वहाँ मौजूद है, जाहिर है जब इश्यूज़ पर बात होगी, आवाम के इश्यूज़ पर बात होगी तो लोग सवाल करेंगे, तो लिहाजा लोगों का ध्यान असल इश्यूज़ से भटकाने के लिए, लोगों का ध्यान असल मसाइल से हटाने के लिए इस तरह की कम्युनल पॉलिटिक्स का सहारा लेने की कोशिश हो रही है। और इस पहले दूसरे स्टेट्स में भी, गुजरात और हिमाचल और दूसरी जगहों पर भी अभी इलेक्शंस हुए, वहाँ भी इसी एजेंडे को आगे बढ़ाया गया। नहीं, हम नहीं, बहुत ही संजीदा लोग जो मुसलमान नहीं हैं और जो लोग हैं वो खुद कहते हैं कि ऐसी कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन ये कमाल है इन फासिस्ट और कम्युनल ताकतों का कि जो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती उसको बताना और उसको इतना बढ़ा के पेश करना और हर वाक्य में कोई कम्युनल एंगल ढूंढने की कोशिश करना, हर क्राइम में कम्युनल एंगल ढूंढने की कोशिश करना, ये मुझे लगता है ये बहुत गलत रास्ता है।
और मुल्क की आवाम को इस पर संजीदगी से सोचना चाहिए और ख़ास तौर से सेकुलर जो पार्टीज़ हैं उनको भी गौर करना चाहिए कि इस कम्युनल और हेट की पॉलिटिक्स को आगे नहीं बढ़ने देना चाहिए। क्या लगता है कि मुसलमानों के लिए कुछ मुश्किलात पैदा हो रही हैं हालात? मुसलमानों के लिए कभी आसानी नहीं थी और मुसलमान तो मुश्किलात से के ज़रिए ही आगे बढ़े हैं जब से मुल्क आज़ाद हुआ है तब से। लेकिन ये कि हम तो यही उम्मीद करते हैं कि अब मुश्किलात कम होनी चाहिए और हालात ठीक होने चाहिए और ये मुल्क के लिए भी अच्छा होगा और मुल्क की तरक्की में भी मददगार होगा कि आप एक किसी कम्युनिटी को टारगेट करके जो मुश्किल हालात पैदा करने की कोशिश कुछ लोग कर रहे हैं उसको अगर नहीं रोका गया तो ये मुल्क की तरक्की में बड़ी रुकावट बनेगी।